बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो है आज हम क्लास 10 के कंप्यूटर साइंस का लेक्चर नंबर 12 जो वीक 8 का है, कंप्लीट चैप्टर नंबर 3 उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए अपने पहले टास्क की तरफ चलते हैं। आज का जो लेक्चर एजेंडा है उसमें सबसे पहले हमने आउटपुट फंक्शन डिस्कस करना है। आउटपुट फंक्शन क्या है, तो इसमें हमने पुट 4 डिस्कस करना है, और पुट एस फंक्शन जो है ये पुट स्ट्रिंग फंक्शन कहलाता है। ये बियॉन्ड द कोर्स है, लेकिन थोड़ा सा आपको हिंट जो है वो बता दूंगा क्या है। आउटपुट फंक्शन में जो कॉमनली हमने डिस्कशन करनी है वो है प्रिंट एफ फंक्शन। प्रिंट एफ फंक्शन को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। प्रिंट एफ फंक्शन के बाद हमने इनपुट फंक्शन डिस्कस करना है कि जब यूजर से कोई वैल्यू दी जाती है उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज किया जाता है। सो द कॉमन फंक्शन दैट इज यूज स्कैन एफ फंक्शन। अगर आप एक सिंगल कैरेक्टर को एज ए यूजर से इनपुट लेना चाहते हो तो उसके लिए दो और फंक्शन इस्तेमाल होते हैं, जिसको गेट सी एच और गेट सी एच ई फंक्शन भी बोलते हैं, बट दैट इज बियॉन्ड द कोर्स। ठीक है, वो प्रोग्राम के अंदर जब कोई गेट सी एच ई आएगा तो वहां पर आपको इसके बारे में इंशाल्लाह इंफॉर्मेशन दे दूंगा। लास्ट सेकेंड लास्ट जो इस लेक्चर का एजेंडा है, फोर्थ टास्क, वो है स्टेटमेंट टर्मिनेटर। जो बॉडी के अंदर आप स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हो किसी फंक्शन के और उसको एंड विद सेमी कॉलन करते हो, उसको हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर बोलते हैं। और लास्ट वन फॉर्मेट स्पेसिफायर, जो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट उस वैल्यू को उस वेरिएबल में स्टोर करता है, उसको इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये सारा का सारा जो है वो टास्क इंशाल्लाह वन बाय वन डिटेल से डिस्कस करते हैं। अपने पहले आउटपुट फंक्शन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आउटपुट फंक्शन डिस्कस करते हैं। आउटपुट फंक्शन क्या है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में आउटपुट से क्या मुराद है। इट इज़ यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑन अ स्क्रीन, या किसी प्रिंटर पे प्रिंट करना चाहते हैं या मॉनिटर स्क्रीन पे आप उस इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड आउटपुट। अब सी लैंग्वेज में जो आउटपुट के लिए कि स्क्रीन पे वो डिस्प्ले हो तो उसके लिए मुख्तलिफ फंक्शंस इस्तेमाल होते हैं जो मॉनिटर पे रिजल्ट को डिस्प्ले करें। तो उसमें कॉमन जो है वो प्रिंट एफ फंक्शन है, पुट स्ट्रिंग फंक्शन है, और पुट 4 यानी पुट करेक्टर फंक्शन है। ठीक है, ये सिंगल करेक्टर के लिए इस्तेमाल होता है, पुट स्ट्रिंग स्ट्रिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आप पुट एस लिखें और जस्ट हेलो वर्ल्ड लिख लें तो ये हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग है जो दो कोट्स में बंद होगा तो आपको प्रिंट कर देगा, और प्रिंट एफ जो है इस तरह डिस्प्ले वैल्यूज को डिस्प्ले करता है। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्रिंट एफ फंक्शन क्या है उसको डिस्कस करते हैं। पुट 4 फंक्शन जो है ये क्या है, तो फंक्शन जो इस्तेमाल होता है सिंगल कैरेक्टर्स के लिए स्क्रीन को में वैल्यू स्क्रीन पे वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए, उस फंक्शन को हम पुट 4 फंक्शन बोलते हैं। अब उसका सिंटेक्स क्या है कि सबसे पहले आपने पुट 4 लिखना होता है, और पुट 4 के साथ जो है आप जस्ट करेक्टर लिखते हो। तो वो करेक्टर हमेशा याद रखें, या तो वो कोई वेरिएबल हो सकता है या वो सिंगल कोट्स में कांस्टेंट करेक्टर हो सकता है, करेक्टर कांस्टेंट हो सकता है। अब एग्जांपल वन में देखें तो आप लिखें पुट 4, ठीक है, जस्ट राइट पुट 4, और सिंगल एक करेक्टर कांस्टेंट मैंने यूज किए सिंगल कोट्स पे बंद किए। जब आप इसको रन करेंगे तो आपको ए जो है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 2 में 4 जो है वो आपने एक वेरिएबल टाइप उसकी 4 रिप्रेजेंट की, एम उसका एक वेरिएबल का नाम रख दिया, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया, और पी एक करेक्टर कांस्टेंट जो है वो क्या करेगा, वो इस एम में स्टोर हो जो है वो वैल्यू हो जाएगी। अब मैंने सिंपल उस वेरिएबल को पुट 4 के जरिए कॉल किया तो ऑलरेडी उसमें पी है तो आपको पी प्रिंट कर देगा। दैट इज द पर्पज ऑफ पुट 4 फंक्शन। ठीक है, प्रिंट एफ फंक्शन को देखते हैं। आउटपुट फंक्शन में जो नेक्स्ट कॉमन फंक्शन है वो है प्रिंट एफ फंक्शन। देखिए, प्रिंट एफ फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉमनली यूज होता है। इसका काम क्या है पर्पज, तो इट इज़ यूज टू प्रिंट टेक्स्ट। अगर आपने कोई स्ट्रिंग कांस्टेंट को प्रिंट करना है तो उसके लिए हम स्क्रीन पे डिस्प्ले करने के लिए तो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कांस्टेंट वैल्यूज को प्रिंट करना है तो उसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या वेरिएबल्स में कोई वैल्यू स्टोर है इंटीजर की है फ्लोट की है, या वो करेक्टर की वैल्यूज जो है वो वेरिएबल में स्टोर है, सिंपल वेरिएबल्स को कॉल करके उसको भी डिस्प्ले कर सकते हैं। और एक्सप्रेशन यानी किसी दो या दो से ज्यादा वैल्यूज को या ऑपरेंड्स को किसी ऑपरेटर के साथ कंबाइन करते हैं तो उसको हम एक्सप्रेशन बोलते हैं। जैसे आपको यहाँ नीचे नजर आ रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ऐड करता हूँ तो दैट विल बी कॉल्ड एक्सप्रेशन, जो स्क्रीन पे रिजल्ट डिस्प्ले करेगा उस स्पेसिफिक फॉर्मेट में, तो उसको हम प्रिंट एफ फंक्शन जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। अब उसका सिंटेक्स क्या है कि प्रिंट एफ आपने लिखना होता है,
ठीक है, स्मॉलर लेटर में लिखना है क्योंकि सी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, एक कैपिटल, बाकी स्मॉलर में लिखेंगे तो एरर देगा। तो फंक्शन का ख्याल रखना, रिजर्व वर्ड्स हमेशा कोशिश करें कि आप स्मॉलर लेटर में यूज़ करें, ठीक है, कैपिटल स्मॉलर में मिक्स नहीं लिख सकते, एरर देगा। कंट्रोल स्ट्रिंग जो है ये, इसको हम फॉर्मेट स्ट्रिंग बोलते हैं, ठीक है। फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर तीन चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, एक टेक्स्ट होता है, ठीक है, ये डबल कोट्स में हमेशा याद रखें, फॉर्मेट स्ट्रिंग बंद होगा, टेक्स्ट यहाँ लिख सकते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर, यानी अगर आपने टाइप इंट डिफाइन की है तो इंट के लिए परसेंट डी, अगर फ्लोट टाइप डिफाइन की है तो परसेंट एफ, अगर करेक्टर टाइप डिफाइन की है तो चार के लिए परसेंट सी इस्तेमाल करना होगा। और इसके अलावा एस्केप सीक्वेंसेस इस्तेमाल होते हैं जो उसके फॉर्मेट को चेंज कर ले, उसको हम एस्केप सीक्वेंस बोलते हैं, जो ज़्यादातर बैक स्लैश साइन से इस्तेमाल किए जाते हैं, उसके साथ एक स्पेसिफिक करेक्टर होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बैक स्लैश एन, तो एन इज बेसिकली यूज फॉर न्यू लाइन, तो ये नेक्स्ट लाइन में लेके आ जाएगा इस एस्केप सीक्वेंस की मदद से, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें जो हैं ये आप कंट्रोल स्ट्रिंग और फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये हमेशा डबल कोट्स के अंदर लिखा जाता है। लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स, ठीक है, आर्गुमेंट्स में मुख्तलिफ वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, कॉन्स्टेंट भी हम यहाँ लिख सकते हैं, और कोई एक्सप्रेशन भी यहाँ पर लिख सकते हैं, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। तो इसलिए मैंने यहाँ पर आर्गुमेंट, एक लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स नहीं लिखा कि सिर्फ वेरिएबल इस्तेमाल कर सकते, यानी यहाँ पर प्रिंट एफ में आप जो है, मैं इंशाल्लाह मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स आपको समझाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी कि कैसे जो है वो लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स में कॉन्स्टेंट, जस्ट कॉन्स्टेंट वैल्यू कॉल करनी है, 2 + 2 एक्सप्रेशन आ जाता है, जस्ट 2 कॉल करनी है तो टू इज द कॉन्स्टेंट वैल्यू, इस तरह 1 -145.34 जस्ट कॉन्स्टेंट वैल्यू है उसको डिस्प्ले करना है, या सिंबल आपने जो है सिंगल कोट्स के अंदर जो है वो कोई करेक्टर कॉन्स्टेंट रिप्रेजेंट किया है, फॉर एग्जाम्पल ए, तो दिस इज अ करेक्टर कॉन्स्टेंट, ये एज इट इज आएगा, तो इस ऑल्सो अ कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट जो है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। इसी तरह जो है वो आपके एरिथमेटिक एक्सप्रेशन है, ए प्लस बी या ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी, तो मुख्तलिफ एक्सप्रेशन जो ऑपरेटर के साथ ऑपरेंड जो है मुख्तलिफ ऑपरेटर के साथ कंबाइन हो तो उसको हम एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद इसको अगर आपने एक से ज्यादा जो है, याद रखें, वेरिएबल्स इस्तेमाल किए हैं तो आप उसके दरमियान कामा लेके आएंगे, सेपरेटेड बाय अ कामा हुज वैल्यूज आर टू बी प्रिंटेड, जिसकी वैल्यूज को प्रिंट करना होता है, ठीक है। तो ये ख्याल रखना है कि जब आप मुख्तलिफ वेरिएबल्स, एक से ज्यादा वेरिएबल इस्तेमाल करोगे तो हर वेरिएबल के दरमियान कामा आना चाहिए। आइए एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर वन जो है ये प्रिंट एफ, वैल्यू ऑफ ए इज परसेंट डी, ठीक है, एंड वैल्यू ऑफ बी इज परसेंट डी। देखिए यहाँ पर टेक्स्ट भी आ गया, स्केप सीक्वेंस भी आ गए फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर, और फॉर्मेट स्पेसिफायर भी आ गए। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर इसलिए यूज किया जाता है कि जब भी वेरिएबल्स को कॉल किया जाता है उसकी वैल्यूज को इसमें स्टोर किया जाता है, ठीक है, इससे एक्सेस कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो सामने स्क्रीन पे वो वैल्यू डिस्प्ले करते हैं, ना कि ये स्पेसिफायर। तो ए जो है ये वेरिएबल है, आप अगर देख जो है सामने देखें तो देखें फॉर्मेट स्ट्रिंग को डबल कोट्स के अंदर बंद किया, वेरिएबल हमेशा कोट से बाहर होगा जो कामा के बाद आएगा। अब यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं, ए कामा बी, तो देखें दो वेरिएबल्स को सेपरेट करने के लिए कामा का इस्तेमाल होता है। अब दो वेरिएबल्स हैं तो दो स्पेसिफायर इस्तेमाल होंगे, ये जहन में रखना है, ए के लिए एक, अब पहला स्पेसिफायर ए के लिए होगा, दूसरा स्पेसिफायर ये बी के लिए होगा, ठीक है। जब ये वैल्यू डिस्प्ले करेगा तो फॉर एग्जाम्पल ए में 15 पड़ा हुआ है, बी में फॉर एग्जाम्पल 10 है, तो ये आएगा द वैल्यू ऑफ ए इज 15 एंड द वैल्यू ऑफ बी इज 10, तो ये इस तरह डिस्प्ले कर देगा। इस तरह एग्जाम्पल नंबर टू को देख दें, तो प्रिंट एफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अगर आप जो है सिंपल टेक्स्ट प्रिंट करना चाहते हैं ना कि किसी वेरिएबल को आर्गुमेंट को कॉल करना चाहते हैं, सो दैट इज ऑप्शनल, वो भी कर सकते हैं। तो आप जस्ट मैं एक टेक्स्ट प्रिंट करना चाहता हूँ मैसेज को, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ पर कोई स्पेसिफायर इस्तेमाल नहीं हुए, कोई वेरिएबल आर्गुमेंट्स कॉल नहीं हुए, इसलिए वो डायरेक्टली उसको डिस्प्ले करेगा। और इसी तरह जो है वो सम प्रिंट एफ इन अदर एग्जाम्पल, ठीक है, आपने क्या कि एस्केप सीक्वेंस यूज किया, टेक्स्ट यूज किया, सम इज इक्वल टू, ये एज इट इज आएगा, परसेंट डी की जगह जो वेरिएबल एक्सप्रेशन, अब ये देखें एक्सप्रेशन है ए प्लस बी प्लस सी, ये तीन ऑपरेंड्स हैं जो दो ऑपरेटर्स के साथ कंबाइन हुए, तो ये कंप्लीट एक एक्सप्रेशन, इससे एक वैल्यू आएगी, तो वो वैल्यू जो आएगी वो आके परसेंट डी में स्टोर हो जाएगी। सो आपका आंसर आएगा सम इज इक्वल टू आंसर, जो भी होगा वैल्यू होगी
और हमेशा याद रखिए प्रिंट एफ का आखिरी स्टेटमेंट जो है वो स्टेटमेंट टर्मिनेटर यानी सीमी कॉलन होता है। अगर आप सीमी कॉलन से बंद नहीं करोगे तो आपको एरर देगा। उम्मीद है कि आपको क्लियर हो चुका है। आगे इंशाल्लाह जितनी प्रैक्टिस होंगी आप खुद जो है फिर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आउटपुट फंक्शन में हमने दो डिस्कस किए, एक हमने पुट चार फंक्शन ठीक है डिस्कस किया, पुट एस फंक्शन दैट इज़ बियॉन्ड द कोर्स। लेकिन आप इतना याद रखें कि जब आप किसी स्ट्रिंग को प्रिंट करना चाहते हैं तो हम पुट एस फंक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा कॉमन जो डिटेल से बड़ा वो है प्रिंट एफ फंक्शन। तीसरा जो हमारा टास्क है जिसको हमने डिस्कस करना है वो है इनपुट फंक्शन, जिसमें हम स्कैन एफ फंक्शन को जो है वो डिस्कस करेंगे कि स्कैन एफ फंक्शन क्या है। यूज़र से वैल्यू दी जाती है तो उसके लिए जो इनपुट फंक्शन इस्तेमाल होते हैं वो स्कैन एफ है। गेट सी एच और गेट सी एच ई फंक्शन ये भी इनपुट करेक्टर कहलाते हैं, इसको सिंगल करेक्टर्स कहा जाता है। यानी एक सिंगल करेक्टर जब यूज़र से दिया जाता है यूज़र से तो उसके लिए जो फंक्शन इस्तेमाल होता है वो गेट सेट और गेट सी एच ई है, दैट इज़ बियॉन्ड द कोर्स। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया दे दिया कि गेट सी एच और गेट सी एच ई फंक्शन के ज़रिए आप सिंगल करेक्टर को एज अ इनपुट प्रोवाइड करते हो जिसको फिर स्क्रीन पे डिस्प्ले किया जाता है। तो इंशाल्लाह इसको अगर कहीं पर जो है प्रोग्राम के अंदर आपको गेट सी एच या गेट सी एच ई आया तो वहाँ पर उसको मैं डिटेल से डिस्कस कर लूँगा। तो स्कैन एफ की तरफ चलते हैं, स्कैन एफ क्या है तो उसको डिस्कस कर। देखिए सबसे पहले इनपुट फंक्शन जो है क्या है, तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में इनपुट से क्या मुराद है, इट इज़ यूज टू फीड डेटा इनटू अ प्रोग्राम। जब आप डेटा को प्रोग्राम के अंदर एंटर करते हो थ्रू एन इनपुट डिवाइस उसको हम एज अ इनपुट रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो इनपुट डेटा होता है उसके लिए हम मुख्तलिफ फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। उस फंक्शन में कॉमन स्कैन एफ फंक्शन है, गेट सी एच जिसको कहते हैं गेट करेक्टर फंक्शन, एंड गेट सी एच ई गेट करेक्टर इको फंक्शन, एंड गेट चार इज बेसिकली अ सिंगल करेक्टर। ये तीनों जो जितने भी हैं गेट सी एच गेट सी एच ई एंड गेट चार ये एक एक सिंगल करेक्टर को गेट करता है। और गेट स्ट्रिंग जो होता है ये कंप्लीट एक वर्ड को या ग्रुप ऑफ करेक्टर को एक साथ प्रिंट जो है वो एज अ इनपुट प्रोवाइड करता है। तो ये एज अ इनपुट सिंगल करेक्टर के लिए इस्तेमाल होते हैं गेट सी एच गेट सी एच ई एंड गेट चार, और गेट एस जो है ये स्ट्रिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है अगर यूजर से गेट जो है वो वैल्यू देनी है। और स्कैन एफ कॉमन है, इसमें हम सिंगल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्ड्स यानी ग्रुप ऑफ करेक्टर्स भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप इंटर प्रेस नहीं करते हो वो उस वक्त तक वैल्यू लेता है, ये जहन में रखें ठीक है। उसके बाद आइए अपने स्कैन एफ फंक्शन की तरफ चलते हैं कि स्कैन एफ फंक्शन क्या है। तो इनपुट फंक्शन में जो स्कैन एफ फंक्शन है इसका मेन काम क्या है, देखिए स्कैन एफ फंक्शन जो है इट इज यूज टू गेट वैल्यूज इन टू अ वेरिएबल्स फ्रॉम द कीबोर्ड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। यानी जब आप प्रोग्राम को रन करोगे, यानी अभी तक आपने जो प्रैक्टिस की है चैप्टर नंबर 2 में उसमें आपने कोई भी वैल्यू यूजर से नहीं दी है, वो पहले से असाइन हुई इंट ए कामा बी और ए इज इक्वल टू 10 बी इज इक्वल टू 20 पहले से इनिशियलाइज्ड आपने इनिशियलाइज की, तो वो यूजर से नहीं होती। यानी जब आप प्रोग्राम को रन करते हो और उस स्क्रीन पे जो थ्रू कीबोर्ड आप वैल्यू दोगे उसके लिए बेसिकली जो फंक्शन इस्तेमाल होता है उसको स्कैन एफ का फंक्शन कहा जाता है। इसलिए द वैल्यू इज इनपुट इनटू अ वेरिएबल, ठीक है, जो आप इनपुट करोगे वो क्या करेगा उस वैल्यू को वेरिएबल में उसी फॉर्मेट के मुताबिक जो है वो स्टोर करेगा। यानी अगर इंट डिफाइन होगा तो इंटीजर की वैल्यू स्टोर होगी, अगर आपने करेक्टर डिफाइन किया तो करेक्टर स्टोर होगा, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग स्टोर होगा, और अगर आपने जो है वो फ्लोटिंग वैल्यू है डेसिमल पॉइंट की यानी रियल डेटा है तो वो फ्लोटिंग पॉइंट में उसकी वैल्यू को स्टोर करेगा। उसके लिए जो है वो सिंटेक्स क्या है स्कैन एफ फंक्शन का, स्कैन एफ फंक्शन जो है याद रखें ये फंक्शन है और फंक्शन को हमेशा आप स्मॉलर लेटर में लिखोगे, ठीक है। इट्स अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस that you use a function or the reserve words in a smaller letter. Why? Because C is a case sensitive language. C एक case sensitive language है, इसमें ख्याल रखना है ये capital smaller में एक साथ words नहीं लिखना है, तो function और reserve words का बहुत ख्याल रखना है कि function अगर आप लिखोगे तो सारे smaller में लिखोगे, reserve words अगर आप लिखोगे यानी keywords जो 32 हैं वो भी आपने smaller में ही use करने हैं। उसके बाद format specifier, अब याद रखें स्कैन एफ फंक्शन के अंदर हम टेक्स्ट नहीं लिखते, जैसे प्रिंट एफ में अभी आपको कहा सिंटेक्स में तो फॉर्मेट स्ट्रिंग था, तो फॉर्मेट स्ट्रिंग में टेक्स्ट
स्केप सीक्वेंसेस फॉर्मेट स्पेसिफायर तीनों लिख सकते हैं, लेकिन स्कैनफ फंक्शन में आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर सिर्फ यूज करने होते हैं और उसके मुताबिक वो लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स हैं, एक है तो एक स्पेसिफायर, दो वेरिएबल्स हैं तो दो स्पेसिफायर, एक साथ भी लिख सकते हो अलग अलग भी लिख सकते हो। तो यहाँ वेरिएबल इस्तेमाल होंगे, यहाँ पर आपका जो है वो फॉर्मेट स्पेसिफायर, यानी इंटीजर के लिए परसेंट डी, फ्लोट के लिए परसेंट एफ और करेक्टर के लिए परसेंट सी इस्तेमाल होगा। फॉर्मेट स्पेसिफायर ये क्या करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं फॉर्मेट ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। इन सी लैंग्वेज याद रखे लिस्ट ऑफ वेरिएबल के साथ एक अहम पॉइंट जो स्कैनएफ में इस्तेमाल होते हैं उसको हम एम परसेंट साइन बोलते हैं, यानी वेरिएबल से पहले आपने एक एम परसेंट साइन लगाना होगा। यहां पर लिस्ट ऑफ वेरिएबल से पहले आपने यहां पर एम परसेंट यानी एंड जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको हम लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू से एम परसेंट बोलते हैं। ये जो सिंबल है ये लाजमी वेरिएबल से पहले लिखना होगा, हर वेरिएबल, अगर दो वेरिएबल इस्तेमाल किए तो कामा आएगा और दोनों के साथ एम परसेंट ए फॉर एग्जाम्पल कामा एम परसेंट बी दोनों एक साथ होंगे, ठीक है। और उतने स्पेसिफायर भी इस्तेमाल करने होंगे, परसेंट डी परसेंट डी, परसेंट एफ है परसेंट डी है, अलग अलग जो है वो टाइप के हैं तो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सेम टाइप के हैं तो भी इस्तेमाल कर सकते हैं एक ही स्टेटमेंट में, और अलग अलग भी इंडिविजुअली भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो स्कैनफ फंक्शन जो है बिफोर द नेम ऑफ द वेरिएबल आपने एम परसेंट साइन इस्तेमाल करना होता है, टू विच द वैल्यू इज टू बी असाइंड। व्हाई? क्योंकि इसके जरिए जो है वो वैल्यू असाइन होंगी, इसलिए एम परसेंट साइन जो है ये मेमोरी को लोकेट करता है, इसलिए एम परसेंट को कहते हैं एड्रेस लोकेटर, क्योंकि चूंकि आप स्कैनफ फंक्शन की वैल्यू को बाद में देते हो, जब आप प्रोग्राम को रन करते हो ना तब जाके आप कीबोर्ड के जरिए वैल्यू देते हो, तो ऐसी सिचुएशन में फिर अगर आपने ये एम्परसन मिस किया होता है तो फिर वो लोकेट नहीं कर सकते उस मेमोरी की लोकेशन को जहां वो वैल्यू स्टोर करनी होती है। इसलिए हमेशा याद रखें ये एम्परसन उस एड्रेस को लोकेट करता है, ठीक है। आपने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई एड्रेस है मेमोरी में, यहाँ पर एड्रेस जो है उसका कोई एड्रेस होगा, फॉर एग्जाम्पल उसका एड्रेस है 2000, मैं जस्ट सिंपल उसकी एग्जाम्पल ले रहा हूँ, That is 2000, ठीक है। 2000 के जो एड्रेस है वो रिप्रेजेंट हो रहा है, अब 2000 जो है उसका एड्रेस है, अब इस एड्रेस को लोकेट करने के लिए बेसिकली ये एम्परसेंट साइन इस्तेमाल होता है, इस एम्परसेंट साइन के जरिए एड्रेस लोकेट होता है और फिर उस वेरिएबल में आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया होगा इंट ए के नाम से, फॉर एग्जाम्पल ये उसका नाम है, तो उस वेरिएबल में फिर वो वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 2 आपने स्टोर की है तो वो 2 आगे स्टोर होगी, वरना अगर आपने एम परसेंट मिस कर दिया प्रोग्राम के अंदर तो याद रखे जब आप वैल्यू यूजर से दोगे तो उसको चूंकि एड्रेस को लोकेट नहीं कर सकेगा तो वो अपने तरफ से जो है गार्बेज वैल्यू असाइन करेगा जो नेगेटिव पॉजिटिव में कोई भी वैल्यू हो सकती है, यानी इट ऑटोमेटिकली जनरेट अ वैल्यू विच इज कॉल्ड गार्बेज वैल्यू, तो उसको गम गार्बेज वैल्यू कहते हैं अगर एम्परसेंट साइन मिस होता है। ये क्वेश्चन आता है व्हाट हैपन व्हेन द एम्परसेंट साइन इज मिसिंग इन अ प्रोग्राम, तो फिर वो क्या करेगा, खुद से एक वैल्यू जनरेट करेगा जिसको हम गार्बेज वैल्यू बोलते हैं और वो जो है उसके जो ओरिजिनल वैल्यू होगी वो नहीं स्टोर होगी, दैट विल बी असाइन अ गार्बेज वैल्यू, इसलिए दैट्स व्हाई एम्परसेंट साइन इज इंपॉर्टेंट इन द स्कैनफ फंक्शन दैट कैन लोकेट द मेमोरी लोकेशन वेयर द वेरिएबल कैन स्टोर अ वैल्यू। अब यहाँ पर देखिए मैंने एक डेफ सी में एक स्नैप शॉट जो है वो आपके बुक से ही लिया हुआ जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है जिसमें आपने प्रैक्टिकल काम करना है, तो देखें दिस इज द सॉफ्टवेयर विच इज कॉल्ड डेफ सी प्लस प्लस, ये इंटरनेट से आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देखें हैश इंक्लूड stdio.h ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, मेन फंक्शन आपने वाइड मेन फंक्शन यूज किया हुआ, आपने तीन वेरिएबल डिक्लेयर किए ए बी सी इंट के साथ इंटीजर के टाइप के साथ, तो ये मेमोरी में 2 बाइट्स की जगह रिजर्व कर लेगा जिसको हमने स्टोर करनी है उसकी वैल्यू को। प्रिंट एफ इंटर द फर्स्ट नंबर, देखिए एक टेक्स्ट मैसेज है, यानी स्कैनएफ से पहले अगर आप प्रिंट एफ को यूज करते हैं तो ये ऑप्शनल होता है, ये लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप प्रोग्राम को रन करोगे ना तो सबसे पहले आ जाए इंटर फर्स्ट नंबर तब जाके वैल्यू दें, तो पता होता है कि हाँ भाई मैं पहली वैल्यू दे रहा हूँ,
तो देखिए स्कैनफ में उन्होंने फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा यूज किया, परसेंट डी। वाई? बिकॉज इंट के साथ ए बी सी तीनों इंटीजर हैं, तो देखिए उसने पहले एम परसेंट लोकेशन बताई है और ए वेरिएबल को कॉल किया है। इसी तरह दूसरा प्रिंट एफ एंटर द सेकेंड नंबर, फिर स्कैनफ यूज किया परसेंट डी, एम परसेंट बी जो है वो दूसरी लोकेशन की वैल्यू को जो है उसमें वो वैल्यू स्टोर होगी। तो उसके बाद सी जो है तीसरा रिजल्ट के लिए है, जिसको हमने सिंपल प्लस किया ए और बी की वैल्यू को। अब यहाँ देखें, मैंने कोई यहाँ पर प्रोग्राम के अंदर कोई वैल्यू पहले से नहीं दी गई है, ए इज इक्वल टू 10, ए बी इज इक्वल टू 20, कोई भी साइन इनिशियलाइज वैल्यू इनिशियलाइज नहीं हुई है। अब यहाँ पर जब स्कैनफ आता है तो मीन्स जब ये प्रोग्राम रन होगा, यहाँ से जब आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो एग्जीक्यूट में आपने F11 भी डायरेक्ट दबा सकते हैं या F9 या F10, कंपाइल और रन के लिए इस्तेमाल होता है, तो आप शॉर्टकट सीख सकते हैं। तो जब आप इसको रन करेंगे तो देखें, ये सबसे पहले ये डिस्प्ले में इस तरह आएगा, एंटर फर्स्ट नंबर। आप यहाँ पर वैल्यू देंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने 15 दे दिया, तो एंटर फर्स्ट नंबर के साथ 15 दे देंगे। जब आप इंटर करेंगे तो फिर नेक्स्ट आएगा एंटर द सेकेंड नंबर, तो मैं वहां पर फॉर एग्जाम्पल मैंने 20 दे दिया, ठीक है। तो फिर 20 और 15 को ऐड करेगा, विच इज कॉल्ड 20 35, वो 35 आके सी में स्टोर कर देगा। अब सिंपल प्रिंट एफ फंक्शन के जरिए उसको डिस्प्ले करेंगे तो आएगा द सम इज परसेंट डी, सी को आपने कॉल करके जो है वो द सम इज परसेंट डी, सी में जो वैल्यू होगी वो फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट डी में स्टोर हो जाएगी, तो आंसर आएगा द सम इज 35, तो आपका रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड इनपुट फंक्शन। उम्मीद है कि आपको स्कैनफ फंक्शन जो है वो क्लियर हो चुका है। अब स्टेटमेंट टर्मिनेटर क्या है? देखिए स्टेटमेंट टर्मिनेटर्स जो है वो सेमी कॉलन को कहा जाता है, और हर बॉडी की जो स्टेटमेंट होती है उसको एंड विद अ सेमी कॉलन करते हैं, उसको हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर बोलते हैं। ये कंपाइलर इंडिकेट करता है द स्टेटमेंट एंड्स हेयर, ठीक है, इट इंडिकेट द कंपाइलर दैट द स्टेटमेंट एंड्स हेयर, यहाँ पर ये स्टेटमेंट टर्मिनेट हो जाता है, सेमी कॉलन इसलिए लगाया जाता है, ठीक है, अकॉर्डिंग द रूल आपने डिफाइन करना होता है। इफ अ स्टेटमेंट इज नॉट टर्मिनेटेड विद सेमी कॉलन, सी कंपाइलर विल गिव एन एरर मैसेज, तो डायरेक्टली आपको एक एरर मैसेज देगा ड्यूरिंग कंपाइलेशन कि द प्रोग्राम विल नॉट बी कंपाइल्ड, यानी वो एरर डायरेक्ट दे देगा, प्रोग्राम कंपाइल्ड नहीं हुआ है, ठीक है, ये रन नहीं हो सकेगा क्योंकि यहाँ पर आपने रूल को वायलेट किया है, आपने कोई चीज मिस की है, तो डायरेक्टली एरर आते हैं सेमी कॉलन इज मिसिंग, यानी प्रिंट एफ फंक्शन है लेकिन आखिर में आपने सेमी कॉलन नहीं लगाया, तो वो डायरेक्टली एरर देगा, इसको हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर बोलते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, अब इसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है, इट्स अ कंप्यूटर कोड दैट टेल अबाउट द डेटा टाइप, डेटा टाइप के बारे में कि कौन सी टाइप इस्तेमाल हो रही है, इंटीजर है, इंट है तो इंटीजर डेटा टाइप, फ्लोटिंग है या करेक्टर है या स्ट्रिंग है, तो उसके मुताबिक जो है वो स्पेसिफाई करता है उस फॉर्मेट को। फील्ड विड्थ, आपने जो है वो स्पेसेस लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ जस्टिफाई करनी होती हैं, तो जैसे फ्लोट में आप कोई वैल्यू देते हो ना, 12.34 बड़ी सी वैल्यू, अगर पॉइंट के बाद है 3, 4, 5, 6, ठीक है, आप चाहते हो कि मैं सिर्फ इसकी पहली दो डेसिमल वैल्यू उठा लूँ बाकी स्किप कर दूँ, तो इसको हम जो है वो फील्ड विड्थ से रिप्रेजेंट करेंगे उस फॉर्मेट के मुताबिक, यानी आप लिखोगे परसेंट 5.2f, ठीक है, या 6.2f आप लिख लें, फॉर एग्जांपल 6.2f, तो ये जो 0.2 है ये डेसिमल की बाद की जो वैल्यू होंगी वो सिर्फ दो लेगा, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर यहाँ कोई 5 से बड़ी वैल्यू 6 है तो वो अप्रोक्सीमेट करके 3 5 कर देगा, तो 12.35 आंसर आएगा, ठीक है। तो ये 6 जो होते हैं ये टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 1 दैट इज 2 दैट इज 3 दैट इज 4 दैट इज 5 एंड दैट इज 6, टोटल 6, ठीक है। लेकिन जब आप 0.2 रिप्रेजेंट करते हो तो दो वैल्यू यहाँ से हो जाएंगी, तो 1 2 0.3 4 5 एक इजाफी आ जाएगा, तो याद रखिए एक स्पेस आ जाएगा कॉलम स्पेस, उसके बाद 1 प्रिंट करेगा, फिर उसके बाद 2 प्रिंट कर देगा, फिर पॉइंट प्रिंट कर देगा और 3 और 4 की वैल्यू प्रिंट करेगा, इसको फील्ड विड्थ रिप्रेजेंट किया जाता है।
और फील्ड विड्थ जो है हम जो है वो प्रोवाइड करते हैं। अगर आप इंटीजर में प्रोवाइड करोगे तो इंटीजर में परसेंट, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ इंटीजर में 3D लिख देता हूँ, तो ये जो 3 है ना ये विड्थ बताता है। ठीक है, कोई वैल्यू आपकी फॉर एग्जाम्पल 12 है तो 3 जो है ये लेफ्ट जस्टिफाइड होता है, यानी ये वैल्यू लेफ्ट की तरफ जस्टिफाइड हो जाएगी, तो आपकी वैल्यू 12 यहाँ पर आ जाएगी और बाकी स्पेसेस जो हैं वो इधर क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप माइनस 3D लिखोगे तो वो फिर राइट की तरफ जस्टिफाइड कर लेगा, ऐसे लिखेगा और वो फिर इस तरफ जो है, तो याद रखें माइनस इज यूज फॉर राइट जस्टिफाइड और प्लस इज इक्वल टू लेफ्ट जस्टिफाइड जो है वो जस्टिफाई करता है, ये उसकी विड्थ को बताता है, तो इसको हम फील्ड विड्थ रिप्रेजेंट करते हैं। और फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू विच अ वैल्यू इज टू बी प्रिंटेड, ठीक है, जिस फॉर्मेट में आपने डिफाइन किया है उसी फॉर्मेट में आपको वैल्यू प्रिंट करेगा, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर कहलाता है। अब कॉमनली जो इस्तेमाल होते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर, इंटीजर, डेसिमल इंटीजर, याद रखें डेसिमल इंटीजर जो नेगेटिव पॉजिटिव में वैल्यू होती है उसके लिए परसेंट डी इस्तेमाल करना पड़ता है, तो वो स्कैनएफ के अंदर और प्रिंटएफ के अंदर दोनों में सेम रहता है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल डेसिमल इंटीजर है, मैंने 12 दिया तो सपोर्टेबल है, माइनस 2, 3, 4 दिया तो भी ओके है। ठीक है, आपने वैल्यू डेसिमल में ही दी, पॉइंट में नहीं होगी, इंटीजर की वैल्यू पॉइंट में नहीं होगी लेकिन वो डेसिमल इंटीजर ही होगा, रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर वही वैल्यू मैंने ऑक्टल में दे दी, ठीक है, मैंने 0 लिखा, ऑक्टल 1, 2 लिखा, तो याद रखे ये एरर देगा। ठीक है, दैट प्रोवाइड एन एरर मैसेज, क्योंकि ऑक्टल को परसेंट डी सपोर्ट नहीं करता। अगर मैंने हेक्साडेसिमल की वैल्यू दी तो हेक्साडेसिमल 0x से रिप्रेजेंट होता है, ये आपने लिखना होता है जब आप यूजर से वैल्यू दोगे स्कैनएफ में, तो 0x20 मैंने लिखा, तो याद रखे ये एरर देगा। व्हाई? बिकॉज दिस हेक्साडेसिमल नंबर कैन नॉट सपोर्ट बाय द डेसिमल इंटीजर परसेंट डी। अब ऐसी सिचुएशन के लिए फिर हमें एक और इंटीजर इस्तेमाल करना होता है जिसको परसेंट आई बोलते हैं, तो परसेंट आई डेसिमल इंटीजर के अलावा ऑक्टल नंबर को भी सपोर्ट करता है। ऑक्टल का स्टार्ट हमेशा 0 से, यूजर से जब दोगे तो 0 लिखोगे तब जाके कोई वैल्यू आप दे सकते हो, 14 दे सकते हो, 8 दे सकते हो, 7 दे सकते हो, 08 दे सकते हो, कोई भी वैल्यू आप पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, वो ऑक्टल में रिप्रेजेंट होगी। लेकिन और हेक्साडेसिमल यूज करने तो उसके लिए हमेशा याद रखे उसका स्टार्टिंग 0x से होना चाहिए। ठीक है, ये हेक्साडेसिमल की रिप्रेजेंटेशन है, तो 0x से रिप्रेजेंट करना है, उसके बाद वैल्यू आपने डेसिमल इंटीजर की देनी होती है। तो ये याद रखे जब ऑक्टल और हेक्सा को डेसिमल के अलावा कोई वैल्यू होगी तो उसके लिए फिर परसेंट आई स्कैनएफ में यूज करना है, यानी स्कैनएफ में परसेंट डी और परसेंट आई डिफरेंट होंगे। ठीक है, लेकिन प्रिंटएफ में दोनों का काम सेम होता है, दोनों इंटीजर के लिए इस्तेमाल होंगे, जो वैल्यू दी होगी वही वैल्यू प्रिंट करेगा, प्रिंटएफ में दोनों सेम काम करते हैं। लेकिन स्कैनएफ में ये दो डिफरेंट होते हैं, वो ऑक्टल और हेक्सा को सपोर्ट नहीं करता है, उसको सपोर्ट करने के लिए फिर हमें परसेंट आई लिखना पड़ता है, ये याद रखें। लॉन्ग इंटीजर जब आपकी वैल्यू बड़ी हो जाए, ठीक है, उस रेंज से जो रेंज मैंने चैप्टर नंबर 2 के एंड में डिस्कस किया था, उस रेंज से जब वैल्यू बड़ी होती है तो फिर हम उसके टाइप को चेंज कर देते हैं, तो फिर हम इंटीजर की बजाय लॉन्ग इंटीजर यूज करते हैं जो 4 बाइट रिजर्व करते हैं मेमोरी में, इसलिए वो वैल्यू को ज्यादा वैल्यू बड़ी वैल्यू को सपोर्ट करता है। उसका लिखने का अंदाज ये है कि परसेंट लिखेंगे, एलटी लिखेंगे, तो दैट इज यूज लॉन्ग इंटीजर। ठीक है, इस तरह फ्लोटिंग के लिए परसेंट एफ इस्तेमाल होता है जिसमें डेसिमल नोटेशन यानी पॉइंट भी सपोर्टेबल है, जैसे मैंने यहाँ 12.3456 की एक वैल्यू दी तो उसके लिए आप फील्ड विड्थ भी बता सकते हैं, सिंपल परसेंट एफ भी लिख सकते हैं, तो वो प्रिसीजन की वैल्यू खुद उठाता है। प्रिसीजन क्या कहते हैं कि जो पॉइंट के बाद की जो वैल्यू होती है उसको हम प्रिसीजन बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह जो है परसेंट ई एक्सपोनेंशिएशन नोटेशन के लिए इस फ्लोटिंग पॉइंट की इस्तेमाल होती है, जैसे 10^2 वैल्यू होती है, तो ऐसी सिचुएशन में फिर हमें परसेंट ई इस्तेमाल करना होता है। और अगर आपने करेक्टर प्रिंट करना है, कोई अल्फाबेट प्रिंट करना है, ए को प्रिंट करना है, जेड को प्रिंट करना है, 1 जो है ये सिंगल कोट्स में बंद है, ये करेक्टर है, ये इसको ASCII में कन्वर्ट करने के लिए, तो याद रखे उसके लिए जो स्पेसिफायर इस्तेमाल होगा वो परसेंट सी इस्तेमाल होगा, इसको हम करेक्टर टाइप फॉर्मेट कहते हैं। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको क्लियर हो चुका होगा, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर इसकी डिटेल डिस्कस करेंगे।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। इंशाल्लाह इसी चैप्टर के आगे जो टॉपिक्स आ रहे हैं, एस्केप सीक्वेंस और ऑपरेटर्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, और आगे इंशाल्लाह फंडामेंटल्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं, उसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।